बच्चों चलो जल्दी आओ, छुट्टी का दिन है, चलो चलो देरों से निकलो जल्दी से। प्रीत कर पाए
मान दो ये मेरी करे मत कुछ जतना जब जाए मन तुझसे चाहे तो गगना चल काम जग झूठा को गहना ध्यान कर प्यारे नर्मारियों ये वास्तव में एक देश एक भूल भुलैया है। ऐसा उसने भुला के जीवों को रखा कमजोर कर दिया, बहुत कमजोर कर अति से ज्यादा कमजोर जब कर दिया और डरपोक भय इतना ज्यादा लगा दिया कि कमजोरी और भय से फिर मालिक की तरफ रुझान ध्यान लगा होता ही ऐसा है जीव को कमजोर किया, इसलिए कमजोर किया है भटका दिया कि निसहाय हो जाए किसी का सहारा न ले सके बिना सहारे के रहे सहारा ले लेगा तब तो इसको बल पोस आ जाएगा सहारा न मिले और बस असहाय घूमता रहे कोई इसकी सुनवाई न करे तो सही बात तो ये है कि इस बाजार में कोई किसी की सुनवाई नहीं और जीव जो है यहां फंसे रहते हैं कर्मों का भोग भूलते रहते हैं। अब ऐसे माहौल में और ऐसे अंधकार में अज्ञान में महापुरुषों की खोज होना हो एक असंभव है, पता लगना उनका बहुत कुछ है। अब वो तो ये है कि अपनी इच्छा करे बात तो अलग है लेकिन जीव के बस की कोई बात नहीं, वो खुद कुछ करे तब तो ऐसा हो गया है। और ये बात सही है कि ये संसार आपका नहीं है, ऊपर से जो रचना रची है और रचना का सब सामान इनको दे दिया गया तो इन्होंने भी विधि विधान के साथ सही बात तो ये है। यहां देखो छोटा आदमी बड़े आदमी से डरता है, बड़ा आदमी छोटा आदमी अधिकारी से डरता है और बड़ा आदमी छोटा आदमी अधिकारी डकैत से डरते और डकैत उनसे डर गया और प्रजा राजा से डरती है और राजा प्रजा से डरता है। देखिए कैसा विचित्र डरपोक का माहौल है। अच्छा ब्रह्मा विष्णु महादेव को काम दिया गया कि उत्पत्ति और प्रलय पालन का काम करो स्वर्ग और वैकुंठ में बैठ करके, लेकिन अपना पता मत बताना, अपना भेद नहीं। तो अब इनको
आपको ऊपर में आज्ञा मार सकती। तो नीलगिरि भगवान ने कहा कि ये हमारा हमारे पास ना है, इनको गली मत देना, अगर ये हमारा दर्शन कर लेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। अब यह हुआ ब्रह्मा विष्णु महादेव आज्ञा मार सकते से जाते, लोग की जीवात्मा जितनी है उनसे डरते और आज्ञा मार शक्ति नीलगिरि भगवान से डरती है। और ये दोनों के दोनों ऊपर में नीलगिरि भगवान के ऊपर माया है, उससे दोनों डरते हैं, आज्ञा मार शक्ति और ये भी, और फिर ऊपर में ब्रह्म से वो डरती है, और ऊपर में ब्रह्म है और नीचे माया, और फिर ये दोनों के दोनों प्रकृति से डरते हैं और प्रकृति उस पुरुष से डरती है, एक दूसरे के साथ ये सब सब डरते हैं। और भगवान गोपाल में जो विराजमान बैठे हुए हैं उनसे ये सब डरते हैं, ऐसे सब और ये सब सत्पुरुष से डरते हैं, और सत्पुरुष को किसी का डरता है उसको किसी का डर नहीं, यही तक इसके नीचे तक है सबको है, सब सबको डर है। और जितना वहां देखने को मिलता है कितना डर है वो मतलब है कि यहां तो जीव अज्ञान है इसलिए पता नहीं चलता है कि क्या होगा, लेकिन सही वहां ज्ञान होता है, वहां तम ज्ञान में वो ज्ञान प्राप्त होता है, तो बहुत डरते हैं। और सारे सब के सब उसी सत्पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, और ये सब जानते हैं कि पता नहीं किस समय पर हुक्म हो जाए तो राज हमारा खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है, यहाँ का भी राज खत्म हो जाता है, और मतलब ये है कि जो तीन लोग का वो भी राज, ये भी स्वर्ग में कौन कौन भी राज, उनका भी राज खत्म और ऊपर का भी राज, ये सब खत्म होते एक दूसरे से सब जाते और सब उसी के ध्यान में लगे हुए बैठे हुए अखंड ध्यान कर रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं, उनकी जो धाराएं अलग अलग जुदा जुदा है अलग अलग लोगों ने काम कर रही है। नीलगिरि भगवान जी शस्त्र कलम द्वारा बैठ करके जो शस्त्रों बजाओ भाला उसकी अलग अलग धाराएं ट्रेने काम कर जुदा जुदा वो देखने से पता चलता है कि किस तरह से बंदोबस्त हो रहा, और वह खंड ध्यान में बैठे उस मालिक है, इसी तरह से सब ध्यान उसी का कर रहे और सब डरते सत्पुरुष से, सब डरते और सत्पुरुष सबसे है, सत्पुरुष किसी से वहां तो डरने का कोई सामान है नहीं, कोई सामान नहीं, न ऊपर है न उसके ऊपर, तीनों लोग जो है अनामी पुरुष में एक रास्ता, इसलिए वह डर रहे हैं और बाकी एक साफ के समझते हैं, क्योंकि इनका सबका निकास सत्रों से हुआ, सूत्रों का भी हुआ है, जितनी इंद्रियां हैं जितनी जीवात्मा है उनका और इनका सबका सबका वहीं से निकास हुआ। अब चूंकि ये शुरू में आए थे तो इनको तपस्या करने का अवसर मिल गया, और फिर यह है कि मालिक की इच्छा थी, मौज मस्ती थी उसका विस्तार करने की, तो फिर उसके बाद सूत्रों को बाहर भेजा दे दिया सबको। अब जहां जहां तक यह स्थान पर आती है तब तक तो सूत्रों में वही सकती है, लेकिन जब नीचे उतार दी जाएगी तो फिर सत्य चल, जैसे भगवान भगवान है बैठे हुए हैं तो सूरत में उतनी शक्ति है जितनी उनमें है, उतनी शक्ति है, लेकिन जब वो नीचे उतार के भेजेंगे तो उससे छीन हो जाएंगे, फिर वो जब पानी में भेजेंगे और नीचे उतारेंगे तो वो छीन उनकी शक्ति छीन हो जाएगी, फिर नीचे जाएंगे ब्रह्म स्थान पर तो फिर नीचे उतार के लाएंगे शक्ति छीन हो, सैजल कमल में आकर यानी वैसी शक्ति जैसे उनमें है जब नीचे उतार देगा नीचे हो जाए, अब यहां सबको डाल दिया कर
तो संतों की सब शक्ति बिखर गई। अच्छा अब ये अपनी शक्ति को अपने आप यानी समेट नहीं सकते। संतों तो सब बराबर थे, वहां जब ये निकाली गई तब सब बराबर थे। जब वहां से मालिक ने इनको अलग जुदा किया तो सब बराबर थे, इसमें कुछ है सही बात तो यह है। तो इसलिए कमजोर कर दिया गया, अब जाने की हिम्मत नहीं है। तो महात्मा आते हैं तो फिर इनको नए संस्कार डालते हैं और सत्संग करके सब उसकी जितनी बाहर की इच्छाएं होती हैं उसको तोड़ते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो फिर इच्छा प्रबल हो गई, सांसारिक इच्छा बहुत प्रबल, भौतिक इच्छा जो बस चली आए तो बिल्कुल एकदम मजबूत स्तंभ बन गया। तो उसको कमजोर नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, उसको काटेंगे नहीं, तो धार्मिक वहां से चमटेंगे उसको कमजोर करके तब सुना सुना कर और तब उसको मतलब भौतिक ज्ञान देते हैं। तब वो वासनाओं की जो चपेट में लिपटा हुआ उससे खुलता है, खुल जाता है। ऐसा उसको धीरे 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 तब उसको मतलब यह है कि जब बलवान करने के रास्ते दरवाजे पर लाएंगे तब उसको ताकत देंगे। अभी तो क्या है कुछ नहीं। तो कल आपको यह बताया था कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बहुत बाधा। जब गोस्वामी जी महाराज गए और लोगों को जब काशी में बताया कि भाई तुम काल जाल में फंसे हुए हो, कर्मों के जाल में, और तुमको अपने देवता का जिसको मानते हो उसका भी ध्यान और ध्यान नहीं है, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम अपने देवता को प्राप्त करो। लेकिन वहां जब मूढ़ तो फिर मतलब यह कि बुद्धि काम नहीं करती, फिर उसमें मूर्ख भी रहते हैं। यदि एक होता है सठ तो सठ का तो सुधार हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं है तो उसका सुधार हो सकता है, हो जाता है। लेकिन मूर्ख का सुधार नहीं होता, क्योंकि मूर्ख अपनी ड्यूटी के सामने किसी की सच्ची बात को नहीं मानता, इसी का नाम मूर्ख। सठ सठ सुधार जाता है, जब सत्संग मिल जाएगा तो उसका सुधार हो जाएगा, लेकिन मूर्ख का नहीं। तो मूर्ख के समझावे और ज्ञान घाट कह जाए, कहते हैं जो कुछ उसके पास होगा वो भी चला जाए, क्योंकि वो आपकी सच्ची बात मानेगा अपनी झूठी के सामने, तो आप क्या करेंगे पिटारी खोल करके। जब उसे तो मतलब यह है कि कुछ नहीं, मूर्ख हृदय न चेत, कहते हैं उसका हृदय चेतता ही नहीं, क्योंकि उसमें झूठ भरा, किसी की सच्ची बात को नहीं मानेगा, बस इसी का नाम मूर्ख। और सट होता अज्ञान, तो सत्संग पा करके उसका सुधार हो जाएगा, वो जानता नहीं है। यदि बात तो मानेगा, जब उसको सत्संग में जाएगा तब मान लेगा, लेकिन वो उसके बारे में जब जानते ही नहीं कि सत्संग किसको कहते हैं, क्या सुनाया जाता है, उसका सुधार हो जाएगा। लेकिन वो जानता हुआ कहेगा नहीं मानेंगे उसको, तो ज्ञान घाट का क्या है। तो कहते हैं कि कोयला वेटर बिजला सौ मन साधन खाए, कोयला उजला नहीं होता है, चाहे सौ मन उसमें लगड़िए तो कोयला तो काला ही रहेगा, ये समझ। असल में चीज लाल जतन उसको पर बोलिए, लाल प्रकार की शिक्षा उसको दीजिए मूर्ख को, तो कहते हैं कहां का हर्ज न हो, तो वह कभी हर्ज नहीं हो सकता। यह तो मूर्ख की महात्माओं ने जो व्याख्या की है, परिचय दिया है, वह एक जानता है लेकिन आपकी बात सही नहीं मानेगा, उसी का नाम मूर्ख। तो पीछे मूर्ख बहुत ही है, जब उनकी बात जब सुनी तो जो मूर्ख आप भी मानते हैं, हमको तो ये प्रत्यक्ष जो है गंगा जमना ये वो इसको मानते हैं, हम उनकी बात हम जानते हैं ये, लेकिन हम भी मानेंगे। तो झगड़ा करने का, झगड़ा कर, तो
तो झगड़े काशी में बात हुए, बहुत झगड़े। जैसे गोल बना लेते हैं ना कि तुम हमला करो, गोल बनाते हैं तुम हमला करो, गोल बनाए जाते हैं जब तुम हमला करो, जब तुम हमला करो, इस तरह से गोल बनाते हैं। गोल बना करके अरे महात्मा तो बना भैया के वो तो बर्बाद होते हैं। सब कुछ किया लेकिन जिसको बदल दिया उसको उनमें से एक भी बोल नहीं सके, एक भी। तो ये जो औरतें थी ये उसी शोर सपाटे में, जब शोर गुरु बचा तो फिर नसीब है इनको लालसा हो गई कि भाई ऐसे आदमी का, ऐसे साधु का दर्शन करना चाहिए जिसकी घर घर चर्चा हो रही है, जन जन जिसकी चर्चा करता हो आखिर उसमें कोई बात जरूर होगी, तब तो उसकी चर्चा, इनकी उनकी तो चर्चा नहीं हो रही। बहुत सेठ है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ध्यानी है और बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, तो उनकी तो कोई चर्चा नहीं करता और उसी साधु की चर्चा क्या। तो ये तो समझ अलग अलग विचार लोगों में पैदा होते, तो उसको देखना चाहिए वो तो साधु कैसा है। तो देखने से पहले लाल साधु अब उसमें से झगड़ा करने वाले भी निकल आएंगे, जो झगड़ा करते वो भी निकल आएंगे उसमें से कि भाई जो कुछ भी हमने किया किया ठीक है, अब जो कुछ अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन उनकी बात तो पूरी सुनी जाए। क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये है वो तो हमको बताते ही है कि है, और भी कुछ कहते हैं तो और क्या कहते हैं उसको सुना जाए। तो जब वो सुनने के लिए गए तो मतलब ये है कि तो सच थे, सच यानी मूर्ख नहीं थे, सच थे, पढ़े लिखे बहुत थे लेकिन सच थे कि उनको उस किताब का जो कुछ योग किया जाता है वो नहीं किया उन्होंने, उससे कुछ आत्मज्ञान प्राप्त नहीं था। तो सत्संग पा करके उनका सुधार हो गया, सुधार हो गया, वो मोटे मोटे जमीन वो पैरते थे त्रिपुंड और बारह डाल के और बहुत प्रसिद्ध संस्कृत के मतलब यह है कि प्रकार विद्वान। अब यह है कि नहीं उनको बोल है तो सती, और अगर महात्मा की बात न माने तब तो बुरा हो गया, बिल्कुल की सच्ची बात हुई। तो इन्हीं ने बकरा सुन किया तो वहां मतलब उनके पास पहुंच गया और पूरी बात जो तो कुछ भी उनके अंदर थी वो कहा और उन्होंने उसको सुना। और जब उनको बुद्धि बोध हुआ, जब शास्त्रों का उन्होंने बताया कि भाई मैं अपनी तरफ से उनको पहले शास्त्री में लिखा हूं, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, सब बताया, वो तो पढ़े लिखे थे। तब जब उनको ये सत्संग पा करके बुद्धि बोध हुआ तो जमीन को तोड़ दिया उन्हें ब्राह्मणों ने और कब लिपटा दिए। तो कहने का यह है, उन्होंने ये कहा गोस्वामी जी ने कि भाई जमीन में तो कोई सिद्धि है नहीं, कोई जदयू से तो गतिजीव की होने वाली नहीं, तो सो जदयू पहनो और कुछ मत पहनो, न सो जदयू से कुछ गति होगी और न ये जदयू से होगी, न पहनो तब नहीं होगी। वो तो संतों का रास्ता ही अलग है और राह ही अलग है, उससे कुछ नहीं। तो उनको फिर पहनाया ताकि लोग ये न समझे इनका जदयू तोड़ा दिया, तो हम क्यों तोड़ा था, तो जब उसको जुड़े उसमें से तोड़ दिया कि इसमें फंसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं है, माला तोड़ दी, तोड़ करके तो कहने का है तुम इसको दस पहन सौ माला पहन, तो उससे कुछ नहीं होगा। फिर कह रहा है और फिर उनको ज्ञान दो, तब उनको दिया। तो फिर वो इस तरह से हुए कि बच्चा क्या रोता है, अब की मां के कुछ होने पर बच्चा कुछ नहीं रोता, ऐसे रो बहुत रोए और बहुत माफी मांगी।
नेचर वो तो दयालु है, दया के सागर है। जब दया देश में पहुंच गए तो दया के सागर है, वो तो सब जीवों पर, क्योंकि जीव तो सब वहीं से आए, उन्हीं के हैं, वो तो जीवों में दया कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके कोई किसी तरह का मन मेला नहीं किया, जिन्होंने क्या किया, ज्ञान कर दिया और कहा कि देखो ये संतों की राह है, बैठो और चलो, और रास्ता बता करके उन्होंने उनको चलाया। सबने अपनी अपनी बात कही, मुसलमान और विरोधी ने जब उनको सब सुनाया तो उनके पास तो कुरान कुरान सब रहता है, वो तो बहुत तो सब है, तो उनके पास तो सब, तो कुरान की बात, बाइबल की बात ये सब उन्होंने बताई। तो कहा मुसलमान से, अरे तुमने इतने दिन इबादत करते हो गए और बांध लगाते, तुमने कभी खुदा की आवाज को कभी सुना या खुदा की कभी जरा सी तुमने रोशनी या जरा सी झलक देखी या तुम्हारी शिष्ट शिष्ट कहते हैं जिन दृष्टि ज्ञान चश्मा कहते हैं तुम्हारी खुली है, तो चुप मुंह से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, गंभीर गंभीर हो गया। जब उसको खुदा के बारे में बताया तो उसको गंभीर हो गया था, तो ये करता रोजा रखता है, नमाज पढ़ता और रोह पर जुर्म करता और दिल में खुदा को नहीं जाता, दिल भीतर नहीं बैठा था, धीरे धीरे पाक साफ नहीं है। उसको जब उसको बताया तो बस, अब जब उसको जब ये समझ आई कि हकीकत क्या है तो बोलूंगा वो चिल्लाता है, ऐसा ऐसा इनका रोना है, तब उनको मालूम मिलता है। तो अपनी अपनी बात जब ये स्त्रियां रात भर अपना सुना के और उनको पूरा सुनाया और फिर जब उन्होंने सुन लिया तब उनका तिल भरा और उन्होंने बताया कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो ये भी पहुंच गए, क्योंकि दर्शन की तरफ सबको लालसा रहती है, तो ये लोग हैं चुप गए पंडित लोग, मुसलमान भी पहुंचे ये जा करते हो। अब ये तो सुबह गए थे, जब चलने वाले थे तो लोग ऐसा सुबह निकला तक पहुंचे, जैसे ये गए तो हमने भी बताइए और प्रणाम किया और कहा कि हमारी भी अर्जी है, कुछ हमारी भी सुन लीजिए। तो जो जो कमा के ले गए थे साधन में, जो कुछ प्राप्त किया था भजन में, वो कहना चाहते उनको सुनाना चाहते, क्योंकि अब मतलब यह है कि दिल खुश भी और रोता भी है, ये नहीं कि नहीं और दया तो मिल रही है, तो सुनाना चाहते हैं। तो जरा उनकी दो बात सुन लीजिए, बोलो करिया अपने अपने मान दे रहे उनको आज्ञा लेकर के और जाएगा जिस जिस मोहल्ले में उनका मकान था वो चले गए, वो चले गए। बोलो देश दिन उठे गगन घन भोला तामे अटक रहे मन, वो तो ये उनका तो काम हो गया, उनको चौबीस घंटे आवाजें आती, एक चढ़ भी खाते रहो लेते रहो बैठे रहो बात करते रहो, चौबीसों घंटे जब गाड़ियां खुल जाती है तो चौबीसों घंटे आते रहते, कभी बंद नहीं होता। ये इस मकान में बंदी होने वाला काम नहीं है, कहते हैं चौबीसों घंटे गगन घन हो रहा,
कहते हैं गगन में सब प्रकार की आवाजें आती है, बढ़िया सब कहते हैं तो मन को रस ले चुका और उसमें मतलब ये जहां था वहां पहुंच गया, उसको अपना स्थान मिल गया क्योंकि उसका भंडार है सज्जल कमल में। एक तरफ बुद्धि का भंडार, एक तरफ मन का भंडार, एक तरफ चित्त का भंडार, एक तरफ बेटा, ये चारों सज्जल कमल में भंडार है। जब तक ये अपने भंडार में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ सकते, तब तक सूरत यहां से जा नहीं सकती, इनको साथ ले जाएंगे और भंडार में ले जाएंगे फिर नहीं बोले क्यों कि वह आनंद है, सब अपने अपने आनंद में विलीन हो जाएंगे वहां पर और सबके ऊपर उनकी हुकूमत चलती है क्योंकि तीन लोग के मालिक है। अब अभी तो मार खा रहे तो वही है कि अपने अपने भंडार में अब मतलब ये तो कहते हैं निश्चित हर वक्त उठत गगन घनघोरा, कहते हैं कि हर वक्त घनघोर बढ़िया होती रहती आवाज और कितनी मधुर मनमोहन मन को मोहित करने वाली कितनी बढ़िया हमेशा होती है। और फिर ये जो साधक साधना करता है और जिसको ये सुनाई देने लगता है वो बंद नहीं होता, वो सुनाई देता है लेकिन ये कि फटक से ला के पार हो जाए, तब बीच में अगर नीचे रहेगा तब तो मतलब ये तो उसको यह है कि कोई भारी कोई झंझट में या कान में इसमें फंस गया तो ध्यान उधर से टूटता है, आवाज तो आती है, ध्यान टूट जाता उसका उधर लग जाता है, ऐसा महसूस होता है कि आवाज कम हो गई है लेकिन फटल से लाके पार होने के बाद बंद होने का काम ही नहीं है उसके उस तरफ में। तो ये तो अब ये है कि आनंद मंगल बोलो कर मारे कोने सवेरा हुआ ये भी सूर्य पहुंच गए कर्मा धर्मा, ये दो थे पहुंच गए दर्शन करने के लिए कि जो कोई मुझे दिया वो मैं अपना सुनाया, ये सुनाने के लिए बोलो तीजे से खटकी उठ गाए मेरे तो लसी पैर मुसलमान, ये उस समय उस जमाने में ये मजिस्ट्रेट थे काशी में इंसाफ करते थे कचहरी, जब झगड़ा हुआ था तो इन्हीं को देख करके वो झगड़ा रुक गया, बड़ा भारी झगड़ा था, ये भी खिलाफ होते थे। अब ये जब वहां गए वहां जब सुना तो इनकी जुड़ा बंद हो गई, जब कुछ नहीं वो कह सके कुछ कह नहीं सके क्योंकि उसका सब उनको उत्तर मिल गया सबका। तो हम ये भी उठ करके सुने पहुंचे कि मैं भी अपनी उपर्जी करूंगा, मेरे ऊपर भी बख्शीश हुई है, जो मेहरबानी कृपा हुई है वो मैं भी कुछ करूंगा। ये तीनों को पहुंच गए सुबह सुबह बोलो हाँ बैठे भेदभाव सब सीधा तीनों बात अपनी दर्शन किए उन्होंने इस पर पूरा चरणों को दर्शन किए और फिर ये कि जो उन्होंने सुनाया वो तो सुनाई और ये अपना कुछ कहना चाहते ये कुछ कहना है बोलो धर्मा कर्मा वेद बतावा निज निर्माण भेद पाओ कहते धर्म कर्मा कहते जुम्मन ने निर्माण को प्राप्त कर लिया, उन्होंने बताया कि जहां उनकी बैठक है सज्जन कमल है निरंजन भगवान की तीनों के मालिक जिनको खुदा और गाठ कहते हैं तो कहते हैं कि मैंने उनको प्राप्त किया, जो जैसा उनका रूप है
वैसा उन्होंने उनको बताया कि हम ये उसको देख रहे हैं इस प्रकार का रूप, क्योंकि जो देखता है वो जो बताएगा वो सही बताएगा। बात को ऐसे नहीं कहते कि उसका ये रूप है इस तरह का, वो तो एक सामूहिक रूप का, जैसे एक आदमी है उसको कहते हैं एक आदमी एक मनुष्य, लेकिन उसका चेहरा बड़ा कैसा है, चेहरे पर क्या उसके सिर पर क्या, ये नहीं बताते। तो जो उन्होंने देखा वो उनको बताया कि हमने निर्माण पद प्राप्त कर लिया, अब ये सत्य बता के देखता ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने सुना उसको बोला पार एक बारा मेरा का फटक सीधा के भगवान पद के पार एक दरवाजा है, और वो कहते हैं फटक सीधा है, उसको मैंने देखा। अरे दोनों के जो कह रहे हैं कि मैंने उसको देखा, तो जो देखते वो वहां बताते, क्योंकि महात्मा पहले भी बताते जो जो चीज है वहां उसको बताते। ये देखा अभी मैंने तो सीधा कह दिया कि बुढ़ा सीधा के पास, तो वहां क्या है तो बताते। तो अपनी सब बात धीरे से क्या बोलो जावा देखा पुरुषने आरा ताकी शोभा गर्मा दुर्बल ये कह रहे हैं कि हमने उस पुरुष को देखा, उसकी शोभा अपार है, कैसा उसका रूप रंग, इस तरह से उसकी शोभा कहते हैं निर्माण पथ के ऊपर है, निर्माण पर तो मशहूर है और उसके ऊपर में है जो पुरुष देखा हमने उपलब्ध है, क्योंकि उसको हमने देखा और वो ऐसा ऐसा सब बताया, जो गोपनीय चीज रहती है उसको भी उन्होंने बताया वहां हमने ये देखा। बोलो करमा धर्मा बोले बोली प्रतिनिया ज्यादा मत खोलना, ये गुप्त है, इसको कहीं किसी से कहना नहीं, क्योंकि उनके लिए नहीं, उसको बोले कि कहीं बाहर मत कर रहा, किसी से कहिएगा नहीं, चुपचाप उसको इन्हीं को बताइएगा, जिन्होंने दिया है उन्हीं को बताना, इसको प्रगत मत करना, गुप्त रखना, क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि भूल हो जाए गलती हो जाए तो हमसे खो जाए गिर जाए नाराज हो जाए। तो कहते हैं कि गुप्त मुक्ति ऐसे किसी से कहते मत करना कि हमने निर्माण पद प्राप्त कर लिया, हमने इसको देख लिया, हमने इसको देख लिया, तो आपस में बात करते हैं दूसरे को बताते। बोलो जो मेरे बाकी बाता तो रसी समझ महाराज ने तो समझ लिया कि बात जो है वो तो सच है, और उन्होंने यहां तक कहा कि उसके आगे भी हमको यहां से नजर आता है, यहीं से बैठ कर आगे का भी दिखाई देता है, वो सब समझ लिया, क्योंकि रात तो बीत गई थी, उनको बताते बताते दिल्ली को और सवेरे ही पहुंच गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आकर के जो कुछ होगा फिर बताना, क्योंकि तब तक तकीबिया को लिया कि दोनों ने तो बता दिया, मैं भी कुछ अभी सुना, तो तकीबिया जो थे मनुष्य वो भी अपने कदम बढ़ाया, जैसे हमारे भी कुछ अभी है। बोलो शेख
की उठ के तब रोला अपनी बेटी बात सबको। जो उन्होंने आपको जो बताया उसको हमने विधि विधान के साथ में अभ्यास किया, रियाज किया, साधन किया और जो कुछ भी आपकी मेहर में है उसको बताना चाहते हैं। जो हमने दिया और कहता जो आपने दिया बोलो होगा। हम बंदे आप बनाए और वो स्वामी महाराज को कहता है कि आप बनाए हम आपके बंदे हम बंदे बंदे कहते हैं सेवा सिर्फ हम आपके शिष्य यानी मुरीद हम मुरीद है और आप बनाए और आप जुड़े चाहिए प्रार्थना वो हम कुछ करना चाहते हैं। हाँ वो तो बहुत ही आजू से आजू करके कह रहे हैं गंभीर होकर बोलो मेरी आजी है वो आप चित्र और मेरी अर्जी को थोड़ा ध्यान दे करके थोड़ा सा सुन बांधे बसी पाई तो हजरत में कहो सुना बंदे ने जो बख्शीश जो आपकी कृपा हुई जो अमानत आपने दी जो दान दिया आपने बंदे ने तो जो बख्शीश को मिला तो आप विजयी थे आप भी बताए सब कुछ उनको कहा वो सब खुदा को मैंने आप भी बताए मेरे कहा आप मैं तो आप मेरे तो अर्जी को छुट्टी की कितने बोलो क्या हुआ सवेरा था अब जो रोजी करते थे करते करते जब क्या हुआ कि आवाज आई और लोगों ने उसको बदलाव करके चढ़ गए बड़ी तेजी के साथ चढ़ती चली जाती चल गए यदि सूरत चढ़ गए वो कहते हैं सूरत को उसी को सूर कहते हैं तो शब्द को आवाज को आसमानी पकड़ के आवाज तो ऊपर से आसमानी आ रही है उसको पकड़ के रब से शब्द चढ़ गए और वहां आंख खुल गए आंख खुल गए ऐसा नहीं कि आवाज करके आंख पड़ गए वो तीसरी आग तीसरा नेत्र खुला कि हम चढ़ गए ऊपर एक दिन सुबह सुबह बैठ के कर रहा था तो चढ़ गए बोलो हाँ जानवी की उठे तकी मिया कि जब मेरी रूह पर चढ़ी तो वहां 14 तलक यानी 14 लोग हैं अपने यहां 14 भूत कहते हैं 14 लोग उनके यहां उर्दू में कहते हैं 14 तलक कहते हैं वहां नबी के लिए जो खुदा है वहां 24 घंटे आवाज दाग होती रहती है वो बांध देता रहता 24 घंटे कहते हैं नबी की वहां आवाज सुनने को वहां मिलती है स्वर्ग बैकुंठ में वहां बच्चे तो कहते हैं 14 तबक हमने जाकर के अपने रूह से देखा अब एक मुसलमान बालक कहते कि हमने 14 भवन को देखा उधर जाकर के सारा देखा अब ये भी कहते हैं कि मैंने वो सब देखा लोगों ने पूछा कि कौन से रूप में कौन रहता है तो उन्होंने फर्श बता दिया वो तो देख रहे थे
उन्होंने तो देखा तो देख रहे थे, तो फिर बताएंगे जो देखेगा वो बताएगा, तो जो नहीं देखेगा उसको नहीं बता सकता। तो कहते 14 तमा 14 नंबर वहां, और नवीन की हर वर्ष तलाश होती रहती है वहां पर, सुनाई खुदा की आवाज आती रहती है। इतनी तेजी से दौड़ी तो उसने मतलब यह है कि पर्दे तोड़ दिए तो पर्दे निकल गए। कहते हैं 14 तबक तोड़ दिए और पर्दे निकल गए, उसकी पर्दे निकले गए कभी तो उधर जाएगी पड़े उसी के अंदर नहीं, उतरे सीमा है आकाश की, बड़ा पर्दा पड़ा गया सख्त, उसको नहीं से तोड़ सकते, इसी शरीर से जब जाएंगे तो टूटेगा, लेकिन वहां रहने वाले नहीं टूट सकते, जो सुनते हैं वहां रहती है वो नहीं तोड़ सकते, यहां से जो सुन जाएगी वो तोड़ेंगे। कहते हैं 14 तबक के आकाश को पर्दे को समझे तोड़ दिया, पटे 14 तबक रू से पो दिया, एक बार तो जो आवाज आ रही थी जो उसमें खेती नाम में ले हो गई, पहले 9 रुपए ले हो जी मिल गई, तो फिर उस आवाज में जो बैंक से आ रही थी तिपुटी से और उसने हमको खींचा, तो कहते हैं कि वहां वो साहब हमने अपनी आंखों से देखा तो कर रहे हैं, उसी को हिंदू कहते हैं ब्राह्मण, मुसलमान उसको बात कहते हमने उसको आंख से देखा, जैसे देखते जैसे आदमी आप देख रहे बाहर का सामान बाहर की आपको ऐसे हम देखिए उस रूप में जो आप थी उसको देख रहे उससे दर्शन खोदा खोदा इनो मालिक प्यारा मोहम्मद खुदा जो से जाते ये मोहम्मद और खुदा उनसे रगा हम लोग जब देखेगा तभी तो कहेगा, कहते हैं बहिष्ठ से भी अलग यानी 14 तबक से भी अलग है, ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी अलग और वो पहले खुदा से भी अलग, और वो इन सब के ऊपर देख रेख करने वाला कहते हैं तो उसको पाना पाया, अब कह रहे हैं वो सुना रहे यहां खुदा हो आप उस सब कहते हैं रसूल हो आप हजरत सब गोस्वामी महाराज के सब आप कल धरने वाले सब आपको अल्लाह नबी रसूल न जाना 14 तबक से अगर कहते अल्लाह रसूल और खुदा हो 14 तबक इनमें से कोई नहीं जा सकते उनकी परे है, अब वो जाने कह रहे जब मैं हो गई दया हो गई कृपा हो गई तो आज भी आज भी पेश कर रहे हैं हमारी मुस्लिम के लिए वो तो नहीं जा रहे आंसू भी देते होंगे आज भी पेश कर रहे हैं हमारी चित्त में चित्त सुन रहे बहुत अच्छी तरह से बोलो ताकि तका निज खेल मोड़ से जो तो लसी सौता है अब वो कहते हैं कि उनके मुसीब कुछ बात कहते हैं तकी मोड़ में तका देखा और वो जो सब कुछ देखा सब कुछ पाया वो तो मुर्शिद से सुना रहे गुरु से मुर्शिद कहते हैं गुरु और कामिल गुरु होना चाहिए कामिल मुर्शिद होना चाहिए
जितना रास्ता देखा उतना पहुंचा हुआ। अगर कामिल मुझसे नहीं मिलेगा तो रूप रास्ता नहीं मिलेगा, आमिर से नहीं मिल सकता। आमिर कहते हैं विद्वान को, उसको कहते हैं कहते कामिल रूहानियत का मिलना चाहिए और वो जिस्म का भी मिलना चाहिए। कहते कामिल मुझसे थोड़े उनसे ही अर्ज सुना रहे। बोलो अपने अर्जी और किसको सुना सकते हैं? हाँ यही विधि की सैर तो अदब के अंदर रखा। इस प्रकार से यानी मियां की रूह ने सूरत में आसमानों की सैर की, खबर की। अब जो उन्होंने देखा उसको कह रहे वो सही महाराज ने लिखा है इवन को ये पढ़ो गए। जब भी लिखेंगे वो तो उतने ही में वो तो उनका उतने ही समय का काम था, वो जो लोग लिख दिया इतने को तो मैंने अभी पार कर दिया और बाकी देखा जाए। अभी तो बहुत ही रहेंगे तो बाकी बहुत लोग आएंगे उनको करेंगे ऐसा। और ये सब हुए एक भी नहीं बचा जितने पार हुए सब बेहतर था और रोकर के सब काम बन जाता है बिना रोए। अब ये जब समझ आ गई सूझ आ गई और जब प्यार हो गया मालिक की याद आ गई गैर रास्ता देख लिया परखने लगा और चलने लगा तब तो फिर अब अंदर में भी पूछे और बाहर भी दूसरे अंदर में मिलेंगे बाहर में मिलेंगे दोनों तरफ इधर भी और उधर उनमें जाएगा उन लोगों में वहां यहां मृत्यु में रह रहा है दोनों तरफ इधर भी संभाले उधर भी। लेकिन यह है कि थोड़ा तो विवेक होने चाहिए तो ये सब लोग इस तरह से भूल भटक करके और महापुरुषों के पास पहुंच गए और नजर जगड़ करके उन्होंने जो कुछ भी था वो अपना सब अजब करा दिया बुलवा दिया और महापुरुष तो महापुरुष ही होते हैं। बोलो तो चीज ये ठहरा। अब आप सत्संग सुनो और सुनो और सुनिए और तो जिस महात्मा के बारे में प्रमाण हो उसका दे दिया सबूत है प्रमाण कि उन्होंने भी प्राप्त किया। हम तो आप लोग ये कहते हो भाई किसने प्राप्त किया, किसने पाया, किसने जाना, किसने देखा, किसने खुदा को देखा, किसने धर्म को देखा, किसने प्राप्त किया। अभी आप बहुत सुनते हुए देखने वाले एक दो सबूत है बहुत सबूत है। वो किताब में कम लिखने वाले में तो एक ही ने लिखा जो चारों वेद लिखे हुए ही है और दूसरे लिखा उसने देखा भी नहीं। उसकी जो कहीं से आवाज आई और उसने हुक्म दिया कि इसको लिख दो तो उस आवाज को सुन के नहीं दिया उसने, बाकी दर्शन उसको नहीं मिले तो उस खुदा के बारे में क्या कहेगा, वो कुछ नहीं कह सकता। और तो जो उन्होंने कहा उसको लिख दिया। अब उसको कहा कि अच्छा बता दो तो उनको बता दिया। बाकी ये पूछा गया उनसे कि ये कहाँ है जो आपने लिखा कि वो तो हमने नहीं देखा। तो ब्रह्मा के पुत्र वमस ऋषि ने पूछा कि पिता का दर्शन कैसे होगा। कह लगे पूजा से, पाठ से, गंगा से, जमुना से, गौ दान से, इस दान से, उस दान से, घोड़ों के दान से, रात के दान से, त्याग से, तपस्या से। तो वो कहने गए वो तो हमने सब किया, सब कर दिया बताया, लेकिन अभी तक पिता का दर्शन जो आपको बताया कि जिसे करो हमने सब किया दर्शन तो नहीं। जब खुद दर्शन होते तो पुत्र दर्शन करा सकते थे तो ब्रह्मा को खुद भी दर्शन तो पुत्र को क्या करा सकते कुछ नहीं करा सकते। यही है यही महापुरुष जब तक है नहीं मिलेगा और जब तक वो देखे वाले को नहीं बताएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं पूरे की जरूरत है जो पार हो गया उसकी जरूरत है अधूरे के नहीं पूरा चाहिए वो चाहिए तब जाकर के जीव का काम बन सकता है नहीं तो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। बोलो
तब सूरत पूछे एक बाता स्वामी देव भेद देखा। स्वामी सूरत ने पूछा, कह रहे स्वामी कुछ मैं तो बताइए, कुछ रास्ता तो बताइए, कुछ दया हो जाए, कुछ कृपा हो जाए। ये तो आपने पीछे सब सुना दिया, हमको विश्वास हो गया, हमको कोई शंका नहीं रही, लेकिन कुछ रास्ता हम तो चलना चाहते हैं, कुछ रास्ता बता दीजिए। बहुत आनंद से पूछते हैं, जिस तरह से कहा जाता है वो तो बहुत दुखी भाव होता है, बहुत प्रेरित, बहुत दुख का भाव। उससे पूछ रहे कि रास्ता बता दीजिए, बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो वेद लखा। उन्होंने बच्चों सुनाया तू गाती तू, मैं तुझको मार्ग का नहीं देता। इस मनुष्य की मंदिर में उसके तो मनुष्य मंदिर है, तो जिस बारी में जीते 2400 घंटे देव मारिया और कलमा हो रहा। कहते मैं भेद बताता हूँ रास्ते, बोलो। पांच नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमे सूरत। देखते हो बताते हैं कि भाई पांच नाम का तुम इस तरह से स्मरण करो, तरीका बताते हैं, और दरवाजे में बैठ करके चलो ऊपर की तरफ, देखो दृष्टि को रोक करके, देखो कानों को रोक करके सुनो। तो श्याम से मध्य निशानी, कैसे उसके बीच में निशान मिलेगा, उसी को पकड़े रहना, उसी को जमे रहना, टिके रहना, ठहरे रहना, एकाग्र रहना, उसको छोड़ना छोड़ना नहीं, उसके मध्य में। मध्य कहते हैं बीच में, उसी निशान पर रुके रहो, बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाते धोने गए। जैसे ही श्याम के मध्य में तुम्हारी दृष्टि जब एकाग्र होगी, दरवाजा खुलेगा तो गगन में बाजे लग रहे तरह तरह के। अब वो बाजे बजते हैं उसको सुनो, और जो हम बताए उसको छाटना। कहते हैं घंटा और शंख की धुन छाट लेना जो बज रही है, क्योंकि घंटा शंख की जो ध्वनि है उसको मुख से बज रही है, तो तीन लोग का मालिक खुदा है उसके मुंह से बज रही है। तो कहते उसको छाट लेना, जब रोहन में बाजे बजने लगे और सुनाई देने लगे तरह तरह के बाजे, तो उसकी छिटाई कर लेना, यदि वो आवाज वहीं से आ रही है। जब उसको पकड़ोगे तो उसी के पास, ये सब उसी तरह से गए, ऐसे सीधे भी आवाज सबने पकड़े, जिसमें भी है सबने आवाज कहने की मत निशानी। कहते उसमें लव लग गई, लय हो गई तुरंत, जब लय हो गई तो खुदा के सामने पहुंच गए, उसी में से आवाज निकल रही थी और उसी आवाज को पकड़ के चल गए, चल गए। तो वो आवाज पकड़ ली जो खींच रही थी, और वो आवाज को छोड़ दिया जो फेंक रही थी। तो एक आवाज फेंक रही थी, इसलिए सस्तु धारा वाली अलग अलग धाराएं, एक उसको फेंकती और एक खींचती, तो खींचने वाली धारा को बना लिया, ऊपर खींचे सामने जा कर। तो कहते हैं प्रथम में क्या गगन में बाजा सुना, और फिर हम बताते हैं कि घंटे और सब की आवाज को सुनो, और वह आवाजें बंद हो जाएंगी, उसको पकड़ लेना, तो चल चलना सहज हो जाएगा। कहते हम बताते हैं भारत का भी, बोलो। सहस कमल दल जो तिल खाई, बांक नाल में सूरज सैतल कमल में वो जाती जो टीका दर्शन, वो खुदा का परमात्मा का जो राम कहा जिसको कहते हैं, नाम तो उनका निर्णय किन्हीं को ईश्वर कहते हैं, कहते हैं दर्शन। वो तो बैठे हुए साथ, यदि यहाँ कोई बादल है ऐसे बादल होता है, वहां तो ये बादल अगर नहीं जाता तो सांप दिखाई देते अंदर की आंख से, जब आंख से सांप, कहते वहां उस ज्योति का दर्शन, और जोश के बाहर जाना, निकल जाना,
इसमें से बाहर चले जाना, फिर रास्ता तुमको मिलेगा। टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना, तब जाकर के फिर बहुत पार। फिर कहते हैं त्रिकुटिया स्थान है जिस पर ब्रह्म विराज है, जब तुम वहां पहुंचोगे तो मोहित हो जाओगे। जैसे उसका दर्शन हुआ कि सूरज मोहित हुई, उस कारण कपड़े से धारण हुए और वहीं पर गुरु का दर्शन है। ये ब्रह्म अलग बैठे हैं, गुरु अलग, उनका अलग दर्शन वो बैठे हुए और उनका अलग, इनका रूप अलग है उनका अलग है, वहां उनकी बैठक। कहते हैं ये तो इस ज्योति के पर जब तू चलेगा तो कहते हैं चले बुरे रास्ते होकर नीचे ऊंचे जाएगा तो चल जाएगा। चलो रास्ता बताते हैं। बाल का पार त्रिकुटी में गई उनकी धोन, बादल रहते बिजली चमकती तरह तरह की जब बच्चा कहते हैं वहीं से सुनाई देती है गारंग, उसमें तो पकड़ लेना गय हो जाना बस पार तक जाएगी। यहां से यह है महासागर पार, जब तक सूरत यहां से उठ करके और त्रिकुटी में जब तक उनका साक्षात्कार वो ब्रह्म का नहीं करती है तब तक पार नहीं करती, तो वो कारण भी जाए कारण पर्दे से निकल जाएगी और वो ध्वनि आ रही है पर्दे का तो शब्द की धार मिल जाएगी, शब्द बस फिर बुरातीत हो गई पार कर गई, इतनी इससे पार हो गई। अब वो इसको जन्म मरण में नहीं आएगी, अब निकल गए। कहते हैं ऐसे तुम सवार हो नाम पर इस पार से उस पार चले जाओ, उन्हें तो तेज लगाते हो क्या हो तुमको नाम जहाज पर बैठा कर और पार उतार दो आओ, तो सब तुम कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नाम जहाज में लगाया तो उतरो बैठ जाओ बैठ जाओ, तो लगा दिया उन्होंने सागर में और जब वो भर गया तो कहते हैं वो जाने वाला है तुम लोग जल्दी से पूरे रह गया जल्दी बैठो बदले के चले से नाम जहाज बैठाए कर दीना पार कर पार कर जब यह सूरत उतर जाए पार कर। अब ये तीन लोग सिर्फ परे चले गए, न इसके लिए शरीर स्थूल है न लिंग शरीर है न सूचा है न काल है पार। अब सूरज शब्द रूप जैसे उसने धारण धुनि में वो लय हुई बस शब्द रूप उसमें देर नहीं लगती है, उस ध्वनि में उसमें लय होने में देर नहीं कि वहां कोई कल्पना मत रहे, कोई मन नहीं है बुद्धि नहीं कोई चित्त नहीं है कोई तत्व नहीं है, तो देर नहीं लगती है साक्षात लय हुए उसमें और रचे बस जो कुछ भी उसको बर्दाश्त सहन करना वो शब्द प्रकार शब्द प्रकार शब्द बस उसको सहन करना, वो सहन करती जाती है आगे बढ़ जाती है, वो तो करती है उसको बताइए व्यवस्था बताने वाले वहां रहते हैं क्या क्या है वही बताएंगे रास्ता जहां जहां चलेगी वहां रास्ता बताएंगे, अगर उसमें उस रचना में वो नहीं मिले तो घर जा नहीं सकता, रचना छोटी मोटी है यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो उसका एक कर भी नहीं है ऐसी रचना में, तो वहां अगर न मिले तो वहां जा नहीं जा सके, तो वहां बताते चलते तो घर भी मिलेंगे जो बता रहा, क्योंकि यहां से तो उन्होंने बताया कि हम कुछ नहीं और चलो चलो तो और बताते जाते तो उधर भी बताएंगे जब ले जाएंगे तब बोलो आरे पाती सो न मजार सोनी पुकार मजदार बीच में बीच रेत में पहुंचे और वहां पर अपनी धनी हो रही है पहले हो रही है गरी और सारंगी सुनी मान सरोवर चढ़ चढ़ गुनी ये सुनी
और फिर इसको पकड़ पकड़ करके मां सरोवर में, क्योंकि उसमें नहाना है, उसको स्नान करेंगे, चटक पटक करके इसको नहाएगी दिल बोल कर, वहां हस्बैंड लिया रहते वहां तो अब इतनी सुरते जितनी वहां रहती है इतनी सुरते यहां नहीं है, न थल में न जल में न स्वर्ग में स्वर्ग में बैकुंठ में, तो यहां से भी ज्यादा और ऊपर तो खचा कर बराबर ब्रह्मांडों में तो खड़ा था, तो पहाड़ में बाद में तो उसका कोई संभाल नहीं मालूम, तो सुरते वहां कम थोड़ी है, और सुरतों का प्रकाश यहां किसी से कम है किसी लोक से बहुत प्रकाश है, जो वहां रहती है उससे पता चलता है कि कितना प्रकाश है, तो वो सब कुछ नहीं, वो तो बात यह है कि जैसे जैसे चलती जाएगी वैसे ही बर्दाश्त करती जाएगी, लेकिन पार उतर जाओ भवसागर से पार उतर गए, बात तो अपनी बोलो आदि महासोन मैदाना जहाँ चारे धोने थे मेरे समान, वो दुनिया होती है लेकिन किसी महात्मा ने खोला नहीं, ये कौन कौन सी बनी होती है इतने क्या छोड़ दिया, वहां पर अचिंत जी गुरबानी चिंता से मुक्त, कोई चिंता नहीं है, बस इतना ही है कि मालिक का दर्शन नहीं होता है, उनके सबके बेसमान लंबे चौड़े लोग बंदी खाने में लोग बंदी खाने में सब लोग बेसमान उनके बने हुए उनमें हुए हैं, उनमें इतना प्रकाश कि अपनी अपनी रोशनी में अपना अपना कार्य करती रहती है, रोशनी भी उनकी बहुत कभी मतलब यह है कि सूरज और चांदों से जो ऊपर जो सूरज चांदों से बहुत ज्यादा रोशनी उसमें मतलब यह है कि उनके खेल तमाशे तो कितने लोग और कितने लोग हैं वहां, यहां तो तुम्हारा एक मित्र लोग है और स्वर्ग में जाओ तो 14 लोग और ब्रह्मांड में चलो तो और अब गिनती और उसमें तो सुनाई नहीं है कि कितने लोग होंगे उसमें, और जब वो उधर सूरज जाएगी जब सत्य देश में तो महासागर है वो तो असल में कीजिए कि ये तो कुछ नहीं है, यहां एक तरह से वहां के देखने से कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे ही भूत के समान है, रचना का विस्तार तो पर है, चेतन की रचना आनंद होता है शक्ति से पूर्ण ज्ञान से पर वो तो ऊपर है, सुरतों का ज्ञान तो ऊपरी है, ये तो शरीर बुद्धि जल ज्ञान है, अब वो चेतन ज्ञान बोलो बमर गुफाताऊ पर देखी सो अंग बंसी बजती, मैंने भाई उसको देखा तो सूरत कहते चल मैं तुझको महाराज का संदेश बताता हूं, गुरु महाराज कहते हैं कि तू चल तैयारी कर लेना चल अब महाराज का तुझे मैं बताता हूं, चल ले चले ले चले हाँ बोलो ताके परे राम सत नामा बीज बजे सत लोक ठिकाना, कहते हैं कि भाई वहां वो कहते हैं कि सतलोक है सदा वहां पर वो चौथा इन सब के परे और उसी से ये सब कुछ हुआ है, सब वहीं से सब आया, सब सुनते हैं सब की सब वहीं से आई, उसे पंची थल जल थल में सब में जितनी भी छोटी से छोटी है सब वहीं से आई उसी जगह, अब और भी ऐसी जगह पर इनको जल दे दिया कि दूरबीन से दिखाई देती सब वहीं से आई सुतों का निकाल सबका और जो मांग करके लिया है उनका भी वहीं से निकाल हुआ वो भी वहीं से आए, अब ये दोनों काम यह है कि एक मेघ बनकर के
हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा और जो हमारा सच्चा बादशाह है उसको छुपा दिया, बस इतनी बात है। बादशाह को जो अपना पिता उसको छुपा दिया और बीच में एक पद के बैठ गए तो हम उस उम्मीद को पिता मानने लगे। अब वो भी नहीं मिलता है तो पता नहीं कितने बनाते बच्चे मिल जाता तो कोई है वैसे। अब एक राजा का तो पता नहीं है, जो मजदूर कराता वो बैठ है वही मालिक है, लोग कहते हैं यही मालिक। राजा को तो हमने कभी देखा नहीं कैसा होगा, यही मालिक है क्योंकि हम दोनों डिसीजन देना लेना देना जो बात करना यही करता है ये राजा यही हो। उसको तो हमने देखा नहीं कैसा कि जिसको चाहो उसको मान हम देखे मान, लेकिन ये तो महात्मा देखते हैं ना कि चलो तुमको हम रास्ता बताते रास्ता दिखाते नहीं बताते समझे चले और इसको लिए जा रहे और दिखाते जा रहे हैं, इन्हें सूरत को लिए जा रहे हैं दिखाते जा रहे हैं। चल जल्दी से कहने लगे जल्दी से चल और मुबारक का भेद बताता हूं तो उसको लिए जा रहे दिखाते जा रहे हैं। बोलो सूरत सूरत तेरी याद करी अलख लोक में जाकर मिल ये सतपुरुष का उसे पूरा बल मिलेगा। सतपुरुष कहने से तुम जाओ आदेश हो गया, बल मिल जाएगा सूरत को और आदेश हो जाएगा तो फिर सूरत चढ़ जाएगा। अब वो अलख लोक है और वहां जाकर के लोक का भी पूरा दर्शन और उसका जो निवास करते हैं अलग पुरुष उनका भी दर्शन। बोलो कोटिन अरब सूर उजियारा अलख पुरुष छब अदब तिधारा। गिनती में नहीं आ सकता इतना प्रकाश है उसके जो आपकी गिनती सब खत्म है, संघ महासंघ कितना भी कहना हो सब खत्म। ये महात्माओं का इशारा है गिनती बिनती कुछ नहीं, कहते इतना सूर्यों का और चांद का प्रकाश उनके है तो ये गिनती नहीं है ये इशारा किया। बोलो ताशे अगम लोक को चली अगम पुरुष से जाकर अरे भरो उधर को चली अगम लोक की तरफ और वो वहां पहुंची तो मस्त के दर्शन उनसे मिला। बोलो हाँ सूर चांद पर काका दोने का वाकी अगम बिराज खरबो खरबो चांद सूरज तो ये भी सारा ये भी नहीं वर्णन है सही ये भी वर्णन ये भी संकेत है इतना इतना सूर्यों का चांद का उसके एक ग्रह में तो शरीर कितना बड़ा होगा इसकी व्याख्या न हुई होगी। कहते इशारा कहते सूरत वो आ गई उनका भी दर्शन हुआ उनसे मिली दर्शन किए मिली उनका बल ताकत दे देंगे आदेश दे देंगे कि तुम ऊपर जाओ। बोलो जोड़े का वर्णन कैसे गाओ जग में कोई दृष्टांत न नमूना नहीं उस धुन का इसलिए उसको बंद कर लिया ऐसी धुन है वहां कोई अनुसार नहीं है तो फिर क्या वर्णन करेंगे स्वर्ग अपने आप पहचाने जहां तक वर्णन है जहां तक निशान मिलता है वहां तक निशान बताया और स्वर्ग अपने आप अनुभव कर ले उसके आने क्या है। बोलो ताके आगे रे सयनामी बस ये बेचा बेशुमार वकीलों का और संतों का ये नहीं दिया ये नहीं दिया वैसे वो तीनों लोग एक रसे उसमें कोई किसी तरह की बिरोधी नहीं है बस ये इसका कोई पारावार नहीं है और ये जो है वो बड़े बड़े हैं लेकिन वो तो अब बेचार अपार कहते अमीर है तना
और जो सूरत कहते हैं सूरत गुण, ये गई और समुद्र में जाकर के समा गए, लह गए, अब मालिक का रूप हो गया। यही से महापुरुष आते और कई लोग आना शुरू हुआ। पहले से कई लोगों को प्रगट में दिनों के काम करने के लिए कई लोगों को पढ़ा रहे और बोल रहे, इसलिए तो लोगों को कम याद हुआ कि यहाँ किताब लोगों कुछ कह रही थी और बात पहुंच रहे और कुछ बताया तो और बताया तो किसी को नहीं माना। अगर बुद्धि में विवेक होता तो कहते भाई वहां तक तो ये है, चलो और बताते उसको भी देखा जाए, भाई उसके आगे तो कहते पीछे तो नहीं कहते, नीचे तो नहीं कह रहे, कह रहे उसके ऊपर हो रहे, उससे भी बड़ा उसके ऊपर हो रहे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई चलो तो कम से कम वहां चल भी देखेंगे। लेकिन जब संत आए पधारे, उन्होंने जीवों को जगा करके संस्कार जब टाल दिए और रास्ता जब उन्होंने दिया और मदद की तो कहा आगे चलो, ये तो बोलिए इन्हीं का सब खेल है, उनको भी दिखाया उसके आगे भी दिखाया सब, ये सब इन्हीं का है, आगे ले चले तो देखो उनका नहीं है, ये पड़े आ गए और अब वो तो उसके तो अनंत को बेशुमार, उसमें कोई शुमार कितने ब्रह्म कितने पार ब्रह्म ये कितने पैदा किए हुए उसका कोई लेगा जुमार, तो ऐसा पुरुष है बोलो यह है सब। उधर मीरा भाई, उधर सहजो भाई, उधर ये देवियां, उधर चरणदास जी के वक्त में जब जी के राम के समय कितनी देवियों ने भिखा साहब गोविंद साहब के समय और बहुत से महात्मा आए उनके समय अपुरुषों ने देवियों ने बहुत थोड़े प्राप्त किया बहुत थोड़े प्राप्त। तो यह तो ये असल में चीज है कि आपको तो ये सब चीजें इसलिए कि आपकी खोजे देखे, अगर खोज हो जाती तो कोई ना कोई बताने वाला मिलता और प्रमाण भी दे देता ताकि आप दूसरे को नहीं बता सकते कि भाई प्रमाण और बता दीजिए। कोई एक आदमी कहे तो न माना जाए, लेकिन हजार आदमी को प्रमाण एक ही हो तो मानने की बात है, मानी जा सकती ऐसी बात, तो ऐसा नहीं है। तो जो चीज पड़े वो पड़े है, जिस चीज को लोगों ने नहीं प्राप्त किया और जिसने प्राप्त किया तो कह गए ऐसा, इसलिए आपके बाद सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, यह सत्संग इसमें कोई दुनियावी एक भी संकेत भी आपको नहीं मिल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इन जगहों में इसका सब लोग लाभ उठा लें, क्योंकि फिर ये सत्संग ये रास्ता मिलेगा नहीं और आप इतनी खोज कर नहीं सकते हो, क्योंकि इस तरफ का खराब उलझा हुआ यदि समय और बुद्धि इन बुरे कर्मों में नाचे कर्म समुचे ना उसमें उलझ गए तो बुद्धि को छुटका नहीं सकती है और मन रुक नहीं सकता, इंद्रिया भोगों से हट नहीं सकती है। आप तो ऐसे समय में आप खोज नहीं कर सकते महात्मा, कहीं अगर मिल जाए तो उसको जोर जोर करके लेना चाहिए। ये पढ़ने लिखने का काम नहीं है, ये पढ़ा विद्या है, ये सुनी विद्या है, कुछ प्रभु की ये जीवात्मा के जानने पर ही प्राप्त होती है, दूसरा कोई नहीं, बहुत ही चीज नहीं है। केवल बुद्धि 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 तो तुरंत खत्म होगी देने लगे, जैसे चिंता में बुद्धि सूरत से शरीर से सूरत निकाली गई बस बुद्धि खत्म, आंख खत्म, कान खत्म, सुनने वाले बोलने वाली जिंदा खत्म, न हिंदी न अंग्रेजी न उर्दू न संस्कृत न फारसी सब खत्म, सब विद्या भूल जाओगे, पढ़ना लिखना सब भूल जाओगे, बोलना चलना देखना सुनना पहचानना समझना सब भूल जाओगे। तो वो तो आंखों तक उसकी सीमा है, आंखों के ऊपर है, जैसे चिंता हुआ बस यहां तक सुब उठ के आया बस खत्म, ऐसे सारी चीजें कुछ नहीं है, यही तक है। इसके आगे चिंता जब चलेगा तो इनमें से कोई चीज लेके नहीं चलते कुछ नहीं, तो ये भौतिक पुष्टि का यह और आध्यात्मिक और वो इसी को ज्ञान होना चाहिए, वो जब जान जाएगी तो चलती जाएगी देखती जाएगी, उससे तो बहुत होता है, उससे तो जब तक है अपने
भी उसमें नहीं रहती होती है शब्द में उस समुद्र में, तब तक वो मतलब बैठ नहीं सकती। जब लड़ हो जाए तब उसे मिलना चुकी है सहारा। अच्छा बोलो वजन बढ़ जाओ कला से पिटा रूमाल रखा करो रूमाल जेब में, जब कभी ऐसा वक्त आ जाए तो फौरन रूमाल डालो सिर पर, थोड़ा पर्दा होना चाहिए। बढ़ जाओ वजन में बैठ जाओ, जमा रहेगा तो इसका सब हिसाब देना है, तो फिर इसके लिए शरीर भूखा मिलेगा भोगने का, फिर कर्म करने का शरीर मिलेगा नहीं, इसलिए मौका अभी अच्छा है। यह मूल बल शरीर है और इससे अब क्यों ना इस काम के लिए जल्दी कराई जाए, खुद भी जल्दी करो जल्दी कराओ, जितनी जल्दी
आप पत्थर कराओगे करोड़ लोग से काम जल्दी हो जाएगा। और इसको घूम करके चारों तरफ से मुड़ करके दरवाजे पर मन को बुद्धि को और इस सूरत को बैठाओ तो पलायन हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा बैठ जाओ घाट पर, बैठो घाट पर, बैठो अंदर बैठ जाओ और यहां थोड़ा सा कुछ करो तो अच्छा। इसी तरह से सबने किया तो उन्होंने मतलब अपना धुला लिया और धुला लिया तो सफाई हो गई, साफ हो गई, थोड़ा मन भी साफ हो गया, बुद्धि भी साफ हो गई, चित्त भी साफ हो गया। तो जल्दी करना चाहिए और उसी जगत के मैल इकट्ठे करने में रात और दिन लगे रहते हो, इकट्ठा करते हो, आखिर तुम्हारे लिए तो ये सब दुखदायी हो जाएगा। सुख का तो अभी कुछ नहीं है लेकिन आगे तो दुखी जाएगा। तो इसलिए कहते हैं मेहमान लोग संसार कोई दिन के सज में चार के चलना कोई दिन के ये भोग है। और धीरे से थोड़ा सा इनसे निकल जाओ सहज भी आसानी से, इनके साथ जबरदस्ती नहीं करना। इसलिए वृष्टाश्रम में कहा गया कि धीरे से इनसे निकल जाना ताकि उसका अनुभव रहेगा। धीरे धीरे निकलते हो लोगों से विकारों से तो अपने को अनुभव रहता है, तो जल्दी छिड़क करके नहीं तो उसमें काम हो नहीं सकता, क्योंकि काम होगा आस्ती के साथ में। जल्दबाजी से नहीं, जल्दबाजी शैतान की है। और धीरेता जो है मेहमान का, तो धीरे से सहज में आप मतलब ये है कि क्योंकि वो इसको विचार करोगे थोड़े दिन के तो ये लोग जो है आज वो भोगने को मिलेंगे भी नहीं और इनसे कोई तृप्ति भी नहीं होनी है। तो धीरे धीरे बस भजन में अपना डाप जमाते चलो और उधर की रुचि जैसे ही आपकी बनी वैसे ही सब कमजोर कम हो जाए, उधर चल करवा धाम अपने चलो भाई चल गया ये अपना देश नहीं है, यहां कोई अपना नहीं तो अपने साथियों के वहां तो आपके साथी वहां तो मुहे चेतनी चेतन है सब आपके साथी। कितना प्यार उनका, वहां कोई तकलीफ किसी को है आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। कहते अपने घर में जब पहुंच जाओगे तो निश्चिंत किसी का कोई डर बस मालिक का दर्शन और मतलब है कि अमृत का पान, मालिक का दर्शन अमृत का पान और सब रूप हो जाओ कोई बात नहीं। आखिर वहां बड़े इम्तिहास होते हैं वो तो ऐसा कहो ये जितना बांटा गया ऐसे कटोरी में ऐसे लेकर के ऐसे बांट दिया और थोड़ा सा बताया और क्या है सुरतों का जज्बा वहां है, रूहों का जज्बा तो नहीं दिखाई देता है। ये तो उन्होंने बांट दिया थोड़ा सा है थोड़ी, कोई समुद्र में से कोई तालाब थोड़ी दे दिया, अरे एक आदमी लूटा दे दिया मैंने तो लूटा समुद्र के लिए घड़ा क्या चीज कुछ नहीं वहां है। कहते हैं भाई तुम्हारे सभी साथी सच्चे सनातन अनाथ के तो वहां रहते हैं, ये सब परदेश में तो कोई साथी धर्मशाले बैठे वहां जबरदस्ती साथी बन रहे और बस अपना अपना इसके सनाए चलो 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 मचा हुआ कोराम चलो 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 बस अब बच्चा निकालता जा रहा और तुम देख रहे हो और फिर भी नहीं सोच रहे हो कि भाई
पढ़ाई देखते रहो, निकलो 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 निकलो, निकालना तो सोचना चाहिए कभी ना कभी तो जान ही जाना चाहिए। तो बस तुम उसी में रहने लगे, आप कहाँ जाए आप कहाँ जाए यही पड़े रहो, बस इसी में मार खाते रहो, इसी में रोते चिल्लाते रहो, कहाँ जाए कहाँ, अरे घर की तरफ चलो, अपने घर में पहुंचो, ये घर आपका नहीं। अब ये सत्संग के द्वारा सब जानकारी हो जाएगी, सत्संग मिलेगा तो सब जान जाओ, और सब सत्संग मिलेगा तो सब कर लोगे, कर भी लोगे, जान भी जाओगे, और जीवात्मा भी जान जाएगी, राहत भी पा जाएगी, घर भी पहुंच जाएगी। सत्संग नहीं मिलेगा कुछ होने वाला नहीं, किसी को कुछ पता नहीं कि सत्संग महात्मा होंगे, सत्संग से नहीं कुछ होता। या तो जो कुछ थोड़ा बहुत जो हो रहा है वो सत्संग की बदौलत, सत्संग की वजह से हो रहा है, और सत्संग नहीं होता तो किसी को क्या है, किसके पास क्या है, क्या देता है कुछ। इसलिए तो आज अभी जाने वाले हैं, कुछ लोग बसों से जाएंगे, आज जाएंगे तो कल पहुंचेंगे, अरे मतलब यह है कि आज यहां से जाओगे तो रस्ते में कहीं रुके, जैसे गोरखपुर जाना है और आना तो कल ही पहुंचोगे, आज नहीं पहुंच पाओगे तो कहीं रास्ते में रुक जाए, इसलिए रात को तो चलना नहीं ज्यादा, 10 बजे तक चले जाओ, 11 बजे तक फिर रोक दो, तो वहां रुक करके फिर उसके बाद चले जाओ, जहां रात हो जाए वहां रुक जाओ। इसलिए कहते हैं कि रात को वहां चलो, क्योंकि आजकल गरीबी की घटनाएं बहुत है, गरीबी महंगाई का दृश्य बहुत है, और मनुष्यों का संतुलन यानी गया खो गया, तो कोई भी घटना किसी समय पर कुछ भी हो जाती तो अच्छा नहीं रहता है। मंदिर में जाओ, बाल बच्चे रहते हैं बसों में, तो पहुंच जाओगे अपना घर, तो आज से कुछ जाना शुरू करेंगे, तो जहां जाने के द्वार है और कुछ कर चले जाएंगे। कल सत्संग जो 7 दिन का है वो कल समापन हो जाएगा, और ऐसे तो मतलब यह है कि आपका ये संपन्न नहीं हो गया, क्योंकि बुद्ध भक्त कोई कार्यक्रम हो जाता है तो वो नहीं हो गई, और आपका बुद्ध भक्त संपन्न हो गया। सब लोग आए प्रेम के साथ, मथुरा में आए हो तो मतलब ये उसका आप ये लाभ मिला, क्योंकि ये तीर्थों में इसीलिए जाया जाता सब, कोई महात्मा मिल जाए, कोई सच्चा रास्ता मिल जाए भगवान के भजन का।